नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। सलमान खान की दबंग 3 का इंतजार लंबे समय से हो रहा है। कई बार इसकी शूटिंग और कास्टिंग को लेकर सवाल भी हो चुके हैं, लेकिन अब लगता है कि इस प्रोजेक्ट पर काम होना शुरू हो गया है। दरअसल सलमान और सोनाक्षी ने अपने अपने अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की थी। इसमें दबंग 3 की पुरानी टीम नजर आ रही थी। सलमान ने इस तस्वीर के साथ लिखा था, कल रज्जो और चुलबुल पांडे संयोग वंश महेश मांजेकर और साजिद वाजिद से मिले, अगले साल दबंग 3 में मिलते हैं। इससे साफ है कि अगले साल दबंग 3 के तीसरे पार्ट को शूट किया जाएगा। साथ ही इस फोटो में आप देख सकते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा भी दिखाई दे रही है, यानी कि ये बात भी साफ है कि तीसरे पार्ट में भी उन्हें कास्ट किया जाएगा। इससे पहले वो दबंग और दबंग 2 में काम कर चुकी है। आपको बता दें कि सीरीज के दोनों पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन किया था। बढ़ती लोकप्रियता की वजह से फैंस तीसरे पार्ट का भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब खुशखबरी है कि तीसरे पार्ट पर काम होना शुरू हो गया है। दूसरी और खबर ये भी है कि अरबाज खान दबंग 3 को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। दरअसल वो किसी और प्रोडक्शन हाउस के तले इस फिल्म को रिलीज करना चाहते हैं। दबंग 3 के बारे में आपको बता दें कि इसे प्रभु देवा डायरेक्ट करेंगे। पिछले पार्ट को अभिनव कश्यप और अरबाज खान ने डायरेक्ट किया था। बहरहाल फिल्म में और क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, इसका खुलासा अगले साल तक हो पाएगा या फिर जब फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। वैसे आपको बता दें कि दबंग 3 को अगले साल रिलीज किए जाने की संभावना है। बहरहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।